अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 2 से 3 साल के बच्चे के लिए पठानी कुर्ते की कटिंग करते हुए उसे स्टिचिंग करना देखेंगे। तो देखते हैं हमारी पठानी कुर्ते की कटिंग किस तरह से और उसे स्टिच किस तरह से करना है। उसके लिए हमने 1.5 मीटर ये कपड़ा ले लिया है और 0.5 मीटर हमने डेकोरेशन के लिए व्हाइट कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम कुर्ते का डायग्राम डालते हुए कुर्ते की कटिंग कर लेंगे। आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा लेंगे कपड़ा ऊपर नीचे, इसलिए 1 इंच फिर से नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम शोल्डर का नाप डालेंगे। शोल्डर का नाप 5.5, हाफ राउंड 5। हाफ राउंड की जहाँ पे लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हम चेस्ट के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। शोल्डर से कमर 9.5, शोल्डर से सीट 14, पूरी लंबाई है 19, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। लाइन ड्रॉ करते हुए चेस्ट का वेस्ट का नाप डालेंगे। छाती 6, 1 इंच माया 5.5, कमर 1 इंच माया, सीट 6, फ्लेयर 6, 1 इंच माया। लाइन अप करेंगे, हाफ राउंड का नाप डालेंगे, गले का नाप लेंगे 2 इंच। शोल्डर हाफ राउंड की तरफ लाइन ड्रॉ करते हुए कटिंग करेंगे। सीट के डॉट के पास खचका लगाएंगे। हाफ राउंड का नाप लेते हुए स्लीव्स का डायग्राम डालेंगे। स्लीव्स के लिए हमने ये कपड़ा इस तरह से ले लिया है। स्लीव्स के मुताबिक घड़ी डालेंगे। 2 इंच पे लाइन ड्रॉ करते हुए हाफ राउंड का नाप लेंगे। 5.5 हमारे हाफ राउंड का नाप है। इस तरह से डॉट करेंगे। पूरी लंबाई लेंगे 11.5, 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 12.5 पे डॉट करेंगे और लाइन ड्रॉ करते हुए 3.5 स्लीव्स की गोलाई लेंगे। 1 इंच माया, लाइन अप करते हुए स्लीव्स को तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब इसके गले का नाप डालेंगे और यहाँ पे हम बटन पट्टी करते हुए हमें व्हाइट कपड़े से किस तरह से डेकोरेशन करना है वो देखेंगे। स्लीव्स को साइड में रखेंगे और एक पार्ट्स को लेते हुए एक पार्ट्स को साइड में रखेंगे। गले का नाप डालेंगे। गले का नाप हमने ये देखिए इस तरह से ये 2 लिया है। लंबाई में हमें 2.25 इंच लेनी है। 2.25 इंच पे डॉट करेंगे और 2 2.25 का बॉक्स तैयार करते हुए राउंड शेप लेते हुए इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसके गले की कटिंग करेंगे। 6.5 पे हम इसकी बटन पट्टी रखेंगे। 6.5 पे इसे इस तरह से टिप करते हुए स्ट्रेट में कटिंग कर लेंगे। 6.5 पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये वाइट कपड़े को लेंगे और इसकी स्ट्रेट में हम 1.5 इंच पे इसकी पट्टी को कट कर लेंगे। व्हाइट कपड़े की 1.5 इंच पे हमने इस तरह से पट्टी कट कर ली है और कैनवस पेपर की 20 इंच की लंबाई में इस तरह से पट्टी ली है। इसके सेंटर में रखेंगे और इसे प्रेस करते हुए इस पर चिपका लेंगे और साइड का जो कपड़ा है इसे भी हम फोल्ड करते हुए इस तरह से इसे पूरी पट्टी को इसी तरह से दबाते हुए प्रेस कर लेंगे। देखिए फ्रंट वाला भाग हमने ले लिया है और ये इस तरह से हमने बटन पट्टी को तैयार कर लिया। दोनों साइड से इसे फोल्ड करते हुए हमने बटन पट्टी तैयार कर ली है। इसके इस साइड पे इस तरह से रखेंगे। इस तरह से रखते हुए हमें दोनों साइड से स्टिच करते हुए पट्टी को यहाँ पे ऐड कर लेना है। इस तरह से ये डिज़ाइन करते हुए ये पट्टी को यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमें बटन पट्टी तैयार करनी है। बटन पट्टी तैयार करने के लिए हमने इस तरह से ये 3 इंच चौड़ाई में कपड़े को ले लिया है। इसे हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ से तो यहाँ तक 1/2 इंच पे स्टिच कर लेंगे। 1/2 इंच पे स्टिच करने के बाद ये पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से फोल्ड करते हुए ये पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह से ऐड करते हुए यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ तक स्टिच लगानी है। ये देखिए हमारी बटन पट्टी हमने यहाँ पे सिलते हुए यहाँ पे ऐड कर ली है। अब इस तरह से हम कैनवस पट्टी फिर से लेंगे। हमने ये 6.5 इंच की लंबाई पे यहाँ से यहाँ तक कट किया है। इसे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 7.5 इंच की हमने ये लंबाई में पट्टी ली है और 1/4 इंच इसकी चौड़ाई ली है। इसे हम नीचे से इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे कैंची की नोक से हल्का सा इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद व्हाइट कपड़ा लेंगे,
व्हाइट कपड़े पे हम इस तरह से रखेंगे और आधे इंच पे इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे की जो हमारी ये नोक है इसे हम कपड़े का शेप इस तरह से देते हुए ये शेप के मुताबिक इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करते हुए इसे इस तरह से ये पट्टी को तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी तैयार हो गई है। पाव इंच पे हमने यहाँ पे ये देखिए ये कपड़ा जो हमने फोल्ड किया है इसे फोल्ड करने के बाद पाव इंच पे हमने इसकी कटिंग कर ली है। कुर्ते को इस तरह से रखेंगे और जो हमारा पाव इंच पे हमने कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है पहले हम उसे इस तरह से नीचे की तरफ से पाव इंच पे स्टिच करते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हमें ये कपड़े को इस तरह से रखेंगे और ये बटन पट्टी को इस तरह से रखते हुए यहाँ पे स्टिच करते हुए ये बटन पट्टी को यहाँ तक ऐड कर देंगे। बटन पट्टी तैयार हो जाएंगी। ये हमारी बटन पट्टी ये देखिए इस तरह से हमारी ये बटन पट्टी तैयार हो गई है। बटन पट्टी होने के बाद हम बैक साइड इस पे रखेंगे और उल्टी साइड पे इस तरह से करेंगे और आधे इंच पे स्टिच करते हुए दोनों शोल्डर ऐड कर लेंगे। दोनों शोल्डर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे स्लीव्स अटैच करनी है। शोल्डर टू शोल्डर हमने आधे इंच पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हमने ये दोनों साइड से आधे इंच पे स्टिच करते हुए हमने दोनों साइड के स्लीव्स भी अटैच कर लिए हैं और इसके ये देखिए इस तरह से हमने इसके आधे इंच पे फोल्ड करते हुए इसे यहाँ पे भी स्टिच लगा ली है। हमारे स्लीव्स पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब इसके कर्व्स तैयार करेंगे। इसका एक भाग लेते हुए एक भाग को इस तरह से लेंगे, उल्टी साइड पे रखेंगे। देखिए जहाँ पे हमने इसे डॉट लगाए हैं वो डॉट तक हमें इसे स्टिच करना है। इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हम तीनों साइड के फ्लेयर को स्टिच करते हुए फ्लेयर तैयार कर लेंगे। बैक साइड का फ्रंट साइड का दोनों फ्लेयर हमें तैयार कर लेने हैं। फ्लेयर को हमने स्टिच करते हुए दोनों साइड के फ्लेयर को तैयार कर लिया है। अब इसकी एक इंच पे हम फिटिंग लगा लेंगे। हमने इसकी फिटिंग लगा ली है। अब गले का नाप लेते हुए कॉलर बनाने का तरीका देखेंगे। बटन पट्टी को एक दूसरे के पास इस तरह से पकड़ेंगे। ये देखिए 6 इंच इस तरह से बॉटम पट्टी लेते हुए 6 इंच पे हम इसे डबल फोल्ड करते हुए कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी कॉलर तैयार हो गई है। इसे व्हाइट कपड़े पे प्रेस करते हुए चिपका लेंगे और कॉलर बनाने का तरीका देखेंगे। प्रेस करते हुए हमने इसे चिपका लिया है। अब कपड़े को इस तरह से फोल्ड करेंगे। एक साइड नीचे की जो साइड है इसे ओपन रखते हुए हम तीन साइड पे स्टिच लगा लेंगे और फोल्ड करके प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारी कॉलर तैयार हो गई है। इस तरह से हमने इसे फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। एक भाग इसका हमने इस तरह से प्रेस करते हुए अंदर की तरफ दबा लिया और एक भाग को हमने इसी तरह से छोड़ दिया है। इस तरह से हमने जो ये पट्टी इधर से साइड के लिए सिलाई के लिए छोड़ी है उस पट्टी को हम अंदर की तरफ से लेंगे और पाव इंच पे स्टिच करते हुए पूरे गले को कॉलर अटैच कर लेंगे। ये स्टिच करने के बाद जो हमने स्टिच किए हैं वो स्टिच को कॉलर में इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और कॉलर को ऊपर से दाब से लगाते हुए पूरे कॉलर को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी ये कॉलर अटैच करना हो गई है। हमारी कॉलर हमने अटैच कर ली है और हमारे बटन पट्टी के ऊपर हमने ये इस तरह से शो बटन पूरे ऐड कर लिए हैं। हमारा ये कुर्ता पूरी तरह से तैयार हो गया है। आपको अगर हमारे ये कुर्ते की डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की डिज़ाइनिंग वीडियो और डिज़ाइनिंग पैटर्न मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ।